बोल रहा हूँ महाराज जी। जी जी भैया बोलो बोलो जी, प्रणाम। कहीं मेरे को हार्ट पे स्टंट डला था जी। हाँ जी तो वो 6-7 महीने हो गए हार्ट में स्टंट डला था, हाँ जी। तो उसके लिए कोई उपाय बताना। हाँ, कोई मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, स्टंट डल गया हो तो उसकी, क्योंकि आपने डाली है बहुत अच्छी बात है, और इसकी भी क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो 3-5 साल ज़्यादा से ज़्यादा चलने की बात होती है, परंतु ये आपका स्टंट हमेशा चले और आपका हार्ट ठीक रहे, बहुत निरापद उपाय मैं बता देता हूँ। एक तो आपको अभी भ्रामरी और अनुलोम विलोम और धीरे धीरे कपालभाति और ये उद्गीत प्राणायाम वगैरह आपको करना है। ये तो हो गई प्राणायाम की बात, घंटा रोज कर रहा हूँ जी। ठीक है, उसको करते रहिए, आप बहुत बेहतरीन रहेंगे। साथ में सिर्फ 2 औषधियाँ, एक तो अर्जुन का छाल का काढ़ा, हाँ जी, सुबह शाम अर्जुन को छाल को उबाल करके पी लीजिए, और एक हमारी गोली आती है हृदयामृत, हाँ जी, उसकी 2-2 गोली खानी है आपको। तो इससे आपका हाँ सुबह शाम, तो ये आप काढ़ा पियेंगे, गोली खाएंगे। बाकी ध्यान रखिएगा कब्ज न रहना पाए, कब्ज न रहे। कब्ज रहता है ये एलोपैथिक गोली लेने से बहुत कब्ज रहता है। हाँ, कब्ज रहता है तो आप हमारा शुद्धि चूर्ण या दिव्य चूर्ण, इसको कोई भी चूर्ण ले लो, और धीरे धीरे आपकी डोजेज भी एलोपैथिक जो भी ले रहे हैं डॉक्टर से परामर्श करके उनको बता दीजिएगा। ये आपके हार्ट की बिल्कुल स्थिति ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे फिर आप एलोपैथिक दवाइयां बंद कर सकेंगे। वो कह रहा था वो नालियां छोटी हो गई, नसें छोटी हो गई, यानी सिकुड़ जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाता है। इससे हमने देखा है कि ये हृदयामृत गोली और जो अर्जुन की छाल पूरा काम करेगी, और प्राणायाम से आपको पूरा लाभ हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। हरिद्वार आने का क्या करना पड़ेगा जी? हरिद्वार आने की इच्छा थी। हरिद्वार के लिए देखिए, सभी के लिए आप कभी भी हरिद्वार आ सकते हैं। हमारा चिकित्सालय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक हर रोज खुला होता है। हाँ, हर रोज खुला रहता है। कभी भी आप आकर के आप औषधि परामर्श भी ले सकते हैं, योगासन प्राणायाम की परामर्श भी ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ दिन रह करके आपको चिकित्सा करानी हो तो भी करा सकते हैं। मेरी बहुत शुभ 3 किलोमीटर चलता हूँ ना, 2-3 किलोमीटर चलता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि कब्ज की वजह से भी हो सकता है। कब्ज को आप ठीक करो, खाने में हल्की चीजें ले लो, इतना कर लो, आप ठीक रहोगे। मेरी बहुत दर्द होने जैसे लगता है जी। जी नहीं, ठीक हो जाएंगे, एक बार दिखा भी दीजिएगा ऐसे लगे तो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम भी रही हो आपको, तो बाद में कई बार दूसरे कारण से भी परेशानी होती है, तो हमको हम कोरिलेट कर लेते हैं तो कि शायद हार्ट की वजह से, या कई बार ऐसा भी होता है कि वो हो रही होती है हार्ट की परेशानी, हमको लगता है ये तो गैस की वजह से, कब्ज की वजह से। तो नहीं, हार्ट के लिए इग्नोर भी नहीं करना है, परंतु हार्ट को ही लेकर के हमेशा भयभीत और बेचैन भी नहीं रहना, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी सावधानी रखिए, यदि हृदय के साथ साथ में दूसरी समस्याएं हैं तो उनको आप ठीक कर लें, बहुत ज़रूरी है।